नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एक्सीलेंट एजुट्यूब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान की, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और इस सीरीज का ये पहला पार्ट है। तो आइए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, किस जिले को श्रीपद जनपद के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को श्रीपद जनपद के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मांझी साहिब गुरुद्वारा, जो कि कहां पर स्थित है, लाखन माजरा गांव में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2%। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आल्हा साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लोकवीर गाथा, जो कि आल्हा साहित्य की विधा है। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नरवाना, साह और डबवाली में कृषि आधारित फूड पार्क स्थापित किए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा। सिक्स क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हरियाणा में राजा जनमजय का संबंध किस स्थान से है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सफीदो, सफीदो जो कि जींद जिले के अंतर्गत आता है। सेवन्थ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, टांगरी नदी का उद्गम स्थान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मोरनी की पहाड़ियाँ। दोस्तों, आप इसको एक माध्यम से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि मोरनी की जो टांगे हैं वो सुंदर हैं, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि टांगे नदी का उद्गम स्थान है मोरनी की पहाड़ियाँ। एट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय, हरियाणा से असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, ढोसी तीर्थ या फिर ये पूछ ले कि ढोसी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा महेंद्रगढ़ जिले में। टेंथ क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शन्नो देवी। शन्नो देवी जब हरियाणा में हरियाणा जब हरियाणा का गठन हुआ 1966 से, तो तभी से हरियाणा की जो पहली विधानसभा अध्यक्ष थी वो थी शन्नो देवी। 11th क्वेश्चन है, मारकंडा नदी निकलती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, तैमूर ने किन नगरों पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा सिरसा, फतेहाबाद और हिसार पर तैमूर ने आक्रमण किया। 13th क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1994 में, यानी कि 1994 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। 14th क्वेश्चन है, फुलकारी एम्ब्रॉयडरी की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा साल पर, साल का प्रयोग हम ओढ़ने में करते हैं, तो इस पर जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है फुलकारी की जाती है। 15th क्वेश्चन है, अली वर्दी खान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम में अली वर्दी खान का मकबरा स्थित है। 16th क्वेश्चन है, कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा यमुनानगर जिला, जो अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। 17th क्वेश्चन है, माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जय नारायण कौशिक, माटी का मोल उपन्यास के लेखक हैं। 18th क्वेश्चन है हमारा, अति विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का जो सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भीम अवार्ड, जो कि हरियाणा का अति विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल अवार्ड है। 19th क्वेश्चन है, बपोली कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पानीपत में। यहाँ पर ONGC की सहायता से तेल शोधक संयंत्र लगा हुआ है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पानीपत के बापोली गांव में लगा है। 20th क्वेश्चन है, सिंचाई नेटवर्क को कितने अंगों में बांटा गया है? यानी कि हरियाणा में जो सिंचाई के नेटवर्क है
उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 भागों में सिंचाई नेटवर्क को बांटा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।